क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, सीबीएसई में भी आया है ये। एट 298 केल्विन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 एम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी जीरो पॉइंट जीरो जीरो 1.0016 ओम्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। जीरो पॉइंट जीरो वन सर वो सिक्स आपको नहीं थ्री करना था, मैसेज गलती से हो गया। जीरो पॉइंट जीरो 1.63 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ द एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टेंस इफ इट्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज 370, सॉरी 390.7, 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। अब हमें ये निकालना है, राइट? तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। कापा हमें गिवन है, कितना गिवन है, 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें कंडक्टिविटी गिवन है, या इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 एम, राइट? और आई कैन राइट 0.1 मोल्स पर लीटर। ठीक है जी, चाहूं तो मैं यहाँ पे इसे 1000 से ऐसे ही एज इट इज रखता हूँ, या बाद में चेंज कर लूंगा। सो मैं इसका क्या करता हूँ, लेमडा एम निकालता हूँ। लेमडा एम सी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। कापा की वैल्यू 0.00163 इंटू 1000 बाय 0.1, राइट? और अगर मैं इसे करता हूं तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाएगा 1.63, 16.3 आ जाएगा ये। दिस विल बिकम 16.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, ये आ जाएगा हमारा आंसर, राइट? अब लेमडा एम इंफिनिटी हमें गिवन है, लेमडा एम इंफिनिटी 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल मुझे यहाँ पे ये वैल्यू गिवन थी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू निकालने का तरीका। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी बाय लेमडा एम इंफिनिटी। दोनों वैल्यूज है आपके पास, 16.3 अपॉन 390.7 यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, यूनिट से यूनिट, दोनों के यूनिट सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है हमारी, दैट इज 0.0417, राइट? दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
क्लियर जी? ओके अब उसके बाद अगर वो पूछता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, तो उसके लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। राइट, क्लियर हो गया? अब हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी गिवन थी? अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन 0.1 लेता हूँ, अल्फा कितना है मेरा, 0.0417 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा कितना गिवन है, 1 माइनस 0.0417। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ, इसे नियरली 1 ले लेता हूँ, इसे नियरली 1 ले लेता हूँ। तो जो हमारा के ए की वैल्यू आने वाली है, दैट इज कितने आ जाएगी जी, 0.417 इंटू 0.0417 अल्फा स्क्वेयर था, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट बिकम 0.0417 इंटू 0.0417 इंटू 0.1, ये आ जाएगा हमारा के इज इक्वल टू 1.74 इंटू 1, 2, 3, 4, 10^-4, राइट, और इसके यूनिट्स आ जाएंगे मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गया? दिस विल बी द आंसर, ठीक है जी, क्लियर है? ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज 4.95 इंटू 10^-5 सीमेंस सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड स्मोलर कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टेंस एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन लेमडा नॉट एच, ये लेमडा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, राइट, एंड लेमडा एम नहीं, लेमडा इंफिनिटी CH3COO नेगेटिव इज इक्वल टू 40.95 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। ये हमें इसके यूनिट्स गिवन थे, ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे हमें गिवन क्या क्या है, कपा कितना गिवन है, 4.95 इंटू 10^-5, ये हमें गिवन था सीमेंस पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन सी हमें गिवन है 0.001
मोल्स पर लीटर, राइट। तो हमें लैम्डा एम सी निकालना है, तो वो आ जाएगा कापा इंटू 1000 बाय सी। तो कापा की वैल्यू आगे 4.95 × 10⁻⁵ × 10⁻³ अपॉन सी। सी कितना है? 0.001, राइट। तो ये आ जाएगा 10⁻²। यहाँ पे हम 100 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 49.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। ये हमारे लैम्डा एम सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होगा, किसका निकालना है हमें? CH3COOH का निकालना है। तो ये हो जाएगा लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे हमें गिवन है एच पॉजिटिव का, प्लस लैम्डा एम नॉट CH3COO नेगेटिव का। इन दोनों की वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है। ये हो जाएगा 349.6 प्लस 40.95, और ये आ जाता है 390.55 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब मेरे पास लैम्डा एम सी भी है और लैम्डा एम इन्फिनिटी भी है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी, या नॉट कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 49.5 बाय 390.55। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है दैट इज 0.127, 0.127, ठीक है जी। इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, राइट। क्लियर है? चलिए इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क के लिए कुछ असाइनमेंट दे दूंगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 एम मिथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड एच सी ओ एच इज सिक्स पॉइंट 15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन कॉन्स्टेंट गिवन हमें है लैम्डा नॉट एच पॉजिटिव के लिए 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल एंड लैम्डा एम नॉट HCOO नेगेटिव के लिए वैल्यू है 54.67 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। ये वैल्यूज हमें यहाँ पे
गिवन थी। फाइन, तो हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या था। सी गिवन था 0.025 मोल्स पर लीटर, ठीक है जी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम सी हमें गिवन है 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, राइट। हमें अल्फा निकालना है, तो देखो यहाँ पे हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट निकालना पड़ेगा। एच सी ओ एच का विच इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट एच सी ओ नेगेटिव की। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास दोनों है 349.6 प्लस 54.6, राइट। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इट कम्स टू बी 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, ये हमारी वैल्यू आ जाती है, राइट। अब अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम नॉट। दोनों वैल्यूज है हमारे पास 46.15 अपॉन 404.2 राइट सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल, यहाँ पे आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वेयर पर मोल। यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू आने वाली है 0.0114, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है जी। क्लियर है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू क्या थी हमारी, सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, ये आई कहाँ से हमारी, हमारे पास एसिड था एच सी ओ एच था, ये इक्विलिब्रियम में हमारा एज एच पॉजिटिव और एच सी ओ नेगेटिव ब्रेक करेगा। इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो इसकी कंसेंट्रेशन सी थी, इसकी जीरो थी, इसकी जीरो थी। अब ये क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम ये हमारी कुछ कंसेंट्रेशन कम होगी, ये कितनी होगी सी माइनस सी एल्फा, ये यहाँ पे सी एल्फा प्रोड्यूस हुआ और ये सी एल्फा प्रोड्यूस हो गया। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालते हैं तो वो हो जाता है सी स्क्वेयर, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी में सी माइनस सी अल्फा से कॉमन ले लिया तो ये आ गया, एंड इट बिकम सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। के ए इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन हमें कितना गिवन है 0.025 इंटू अल्फा की वैल्यू 0.114 इंटू 0.114 अपॉन 1 माइनस 0.114, राइट। क्लियर है, ये हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 3.67 इंटू 10^-4 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन है जी इसमें। बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइज्ड are electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes
इन सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स विल द मास ऑफ कॉपर will the mass of copper and the silver deposited on cathode be same or different? Be same or different, right? Explain your answer. ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? अब देखो यहां भी इन्होंने बोला कि एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन था, तो हमने सेम करंट डाला, सेम टाइम के लिए डाला, बट दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने डाला. देखो अगर मैं इसे कॉमन ले लूं, अगर मैं ऐसे ही कर दूं, सीरीज में लगा दूं, तो भी बात एक ही बन जाएगी. यहाँ पे हमने एक सेल लिया, यहाँ पे एनोड और कैथोड बना दिया, यहाँ पे कैथोड पे हमारा कॉपर सल्फेट गया, यहाँ पे हमारा सिल्वर डिपॉजिटेड हुआ, ठीक है जी? तो सेम करंट सेम टाइम के लिए गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ वन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ टू, इनके बराबर था अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो हम यहाँ पे ये करेंगे, इनके इक्विवेलेंट मास निकाल देंगे. तो हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना होता है जी, यहाँ पे हमने AgNO3 डाला था और दूसरे वाले में हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या होता है जी हमारा, उसके एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी, अपॉन इट्स वैलेंसी, टू इसकी वैलेंसी होती है. तो आंसर आ रहा है हमारा 31.75 ग्राम्स. और ऐसे ही अगर मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर निकालता हूं तो वो क्या होएगा, एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी. इसका एटॉमिक मास 108 होता है और इसकी वैलेंसी होती है 1, तो ये आ गया 108 ग्राम्स. ठीक है, ये दोनों हमारी वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं, इनके इक्विवेलेंट मास अलग अलग हैं, इसी वजह से हमारा जो कॉपर और सिल्वर डिपॉजिटेड होगा वो भी क्या हुआ, अलग अलग अमाउंट का होएगा. क्लियर है साहब? ठीक है जी. अब हम यहां पे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका एग्जाम्पलर ही करा रहा हूं, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ वॉटर इवन देन in the electrolysis of aqueous sodium chloride by is Cl negative oxidized at anode instead of water.
राइट, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके आंसर में क्या होगा, जैसे हमने एनएसीएल लिया, इसको वाटर में डाला, तो ये क्या करेगा, हमारे दो तरीके के आंसर बनाएगा, एन ए पॉजिटिव एक्व स्टेट में और सीएल नेगेटिव एक्व स्टेट में, ये दो हमें आयंस बनने वाले हैं। ऐसे ही अगर वाटर था, वाटर कैसे ब्रेक करेगा मेरा, एच पॉजिटिव में और ओ एच नेगेटिव में, क्लियर हो गया जी। दो तरीके से हमारा NaCl और H2O टूट गया। अब देखो यहां पे इसने बोला था कि वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ वाटर, इवन देन इट इज इलेक्ट्रोलिस इवन देन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे इंस्टेड ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हुआ, जो ओवर वोल्टेज होती है, ओवर वोल्टेज फॉर ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मच लार्जर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन हेंस एट एनोड सीएल नेगेटिव आयन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है जी, ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें बहुत सारी वोल्टेज की जरूरत है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो इसी वजह से हमारा क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ एनोड के ऊपर अटैक करता है और वहां से क्लोरीन गैस बन के निकल जाती है। तो 2Cl नेगेटिव आया, ये कन्वर्ट होएगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है जी, और जो हमारे ये 4OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, ये हमारे कन्वर्ट होते हैं वाटर में, O2 में और फोर इलेक्ट्रॉन में। तो ये वाला प्रोसेस हमारा नहीं होता, ये वाला प्रोसेस हो जाता है, इसी वजह से हमारा ये सही है। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ पे मैं एग्जाम्पलर ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको एग्जाम्पलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल द पीएच ऑफ हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन, ब्राइन होता है हमारा एक्वस NaCl सॉल्यूशन, बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। राइट, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम यहां पे प्रिपेयर कर रहे थे, एनोड पे क्या हो रहा था, क्लोरीन गैस निकल रही थी, कैथोड पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है जी, तो हमारे दो स्पेक्टेटर आयन्स थे, स्पेक्टेटर आयन कौन से थे, सोडियम Na पॉजिटिव था और एक क्या था, OH नेगेटिव। अब ये NaOH बना देगा, OH की कंसेंट्रेशन हमारी सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, जब OH की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, और इसका जो pH होगा दैट इज लेस देन 7। ठीक है जी, बेसिक हमारा कहाँ पे होता है, 0 to 7, 0 से लेस देन 7, तो हमारा जो इसका pH आएगा सोल्यूशन का दैट इज लेस देन 7, नहीं सर गलत है, pH मोर देन होगा कंसर ना, क्योंकि बेसिक का मोर होता ना, सॉरी pH मोर देन 7 होता है उसका, सॉरी। क्लियर हो गया जी, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं,
हाउ मेनी आवर्स हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस थ्री मोल्स ऑफ Fe plus 3 to Fe plus 2 with 2 ampere current right, हमें ये क्वेश्चन गिवन था तो देखते हैं यहाँ पे अब Fe plus 3 था तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा Fe plus 2 में. इसका वन मोल था तो इसका भी वन मोल चाहिए तो इसका भी वन मोल चाहिए. यहाँ पे इन्होंने बोला कि थ्री मोल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे थ्री मोल्स और यहाँ पे कितने हो जाएंगे थ्री मोल्स. ठीक है जी. तो यहाँ पे थ्री मोल के लिए हमें चार्ज कितना चाहिए होगा. हाँ जी टू रिड्यूस एफ थ्री मोल्स ऑफ एफ प्लस थ्री टू थ्री मोल्स ऑफ एफ प्लस टू चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा भैया. चार्ज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 3 × 96500 कूलम्स. इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 0 0 5 3 15 1 6 3 18 19 1 28 28 9500 कूलम्स हमें चाहिए राइट. ये तो टोटल चार्ज आ गया. अब उन्होंने पूछा था आर्स में सो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी. सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय आई. तो इट बिकम्स 2 8 9 5 00 बाय 2 क्योंकि 2 एम्पियर करंट था हमारा इसे हमने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1 4 4 7 5 0 seconds. ठीक है जी. इसे आर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड एंड डिवाइड. ठीक है जी 1 4 7 1 4 4 7 5 0 इसको हमें 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो इसे हम डिवाइड कर देंगे और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कितना आता है 1 4 4 7 5 0 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइड बाय 60 40.2 इट कम्स टू बी 40.2 आवर्स. ठीक है या 40 आवर्स ले सकते हैं इसे. आवर्स पॉइंट में तो नहीं आएंगे तो वी टेक इट एज 40 आवर्स. क्लियर हो गया. इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है जी. ओके चलिए अब हम आपका पीएमटी का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन हमें गिवन है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी calculate the quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 grams of
नाइट्रोबेंजीन टू एनिलिन, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलिन, इफ द करंट एफिशिएंसी If the current efficiency for the process is 50%, if the potential drop drops across the cell, the potential drop across the cell is 3 volts, how much energy will be consumed? How much energy will be consumed? ठीक है जी, हाउ मच एनर्जी हमारी कंज्यूम होने वाली, हाउ मच एनर्जी। चलिए अब देखो, यहां पे हमने ये किया, क्या लिया था, नाइट्रोबेंजीन, और उसे हमने कन्वर्ट करना है किसमें, एनिलिन में। तो इसके लिए इक्वेशन क्या रहेगी, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हुआ है शायद, C6H5NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ये क्या करेगा, हमारा H पॉजिटिव लेगा और ये कन्वर्ट होएगा हमारा C6H5NH2 में और 3H2O बनेगा और यहां पे ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे हम पहले भी बैलेंसिंग करते थे, तो यहाँ पे 6H पॉजिटिव थे, 6 इलेक्ट्रॉन, ताकि हमारे चार्जेस जो रहे हैं बराबर हैं। हमने H पॉजिटिव किया क्योंकि इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तभी ये यहाँ पे NH2 आएगा और वाटर निकलेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया हाइड्रोजन, और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हमने ये किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एड कर दिए। ठीक है जी, अब यहां पे हम नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, तो वो आ जाएगा C6H5NO2 123 ग्राम्स पर मोल आता है। ठीक है जी, तो यहां पे हम क्या करते हैं, 123 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिक्वायर, कितना चाहिए होगा 123 के लिए, 6 × 96500 कूलम्स, क्योंकि 6 एक के लिए 6 मोल चाहिए, तो 6 × 96500 इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 0 0 30 36 39 3 54 57 579000 कूलम चार्ज आ जाएगा हमारा यहाँ पे। हमें बोला गया है कितने के लिए निकालना है, 12.3 ग्राम्स के लिए, सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 579000 × 123। उन्होंने बोला 12.3 ग्राम्स के लिए, तो × 12.3 हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आ गया 579000 कूलम्ब ऑफ चार्ज आ गया। ठीक है जी,
अब उसने बोला देखो यहाँ पे जो एफिशिएंसी थी वो हमारी रिड्यूस हो गई, ठीक है जी। इफ द करंट एफिशिएंसी फॉर द सेल इज 50%, एफिशिएंसी ऑफ करंट कितना था? 50%। एफिशिएंसी ऑफ करंट इक्वल टू 50%, तो एनर्जी कितनी हमारी कंज्यूम हुई, है ना? हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमारा ड्रॉप कितना हुआ था? 3 वोल्ट से हमारा पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ था वो कितना था? 3 वोल्ट। तो चार्ज कितना था हमारा? हाँ जी, ओके। एक चीज रह गई हमारी, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी ऑफ करंट कितना था? 50% था। तो हमारा जो एक्चुअल चार्ज होगा वो क्या होगा? इसका डबल होगा, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी क्या हुई है? 50% हमारी ड्रॉप की है। तो एक्चुअल जो करंट होगा, सॉरी एक्चुअल जो चार्ज होगा हमारा, वो इसका डबल होगा। एक्चुअल चार्ज रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, इसका डबल हुआ, 2 × 579,000 कूलम्स, ठीक है जी। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 0, 9, 2, 18, 7, 2, 14, 15, 115,800 कूलम्स, तो ये आ जाएगा 115,800 × पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना था? 3 वोल्ट। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0, 0, 3, 4, 7, 4, 00 जूल्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे एक चीज थी, इसका ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी 50% थी, तो हमें एक्चुअल चार्ज रिक्वायर कितना हुआ? उसका डबल हुआ। 100% चाहिए था हमें, उसका एक्चुअल हमने 100% निकाला, तो 100% के लिए हमने क्या किया, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने इसका आंसर निकाल दिया है, राइट। 3 बजे।